नमस्कार मित्रों, मैं गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरु जी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बच्चों कैंसिल हो सकता है 12वीं के बचे हुए पेपर। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020, अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के 12वीं क्लास के बचे हुए पेपर न कराए जाएं। आइए हम लोग जानते हैं डिटेल में कि क्या है मामला। नई दिल्ली सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020, छात्रों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के 12वीं क्लास के बचे हुए पेपर न कराए जाएं, क्योंकि देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ऐसे में एग्जामिनेशन देने से बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। पेरेंट्स की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई कि 12वीं के बचे हुए बोर्ड एग्जामिनेशन का फैसला सीबीएसई ने लिया है उसे रद्द कर दिया जाए। दरअसल कोरोना वायरस के चलते मार्च में लॉकडाउन लागू हो गया था और पूरे देश के स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे। जिस वक्त लॉकडाउन लागू किया गया था तब बोर्ड के कुछ पेपर बच गए थे। सीबीएसई ने 12वीं सीबीएसई एग्जामिनेशन के बचे हुए पेपर को 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कराने का फैसला किया था। सीबीएसई के इसी फैसले के खिलाफ 12वीं बोर्ड के कुछ बच्चों के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया कि देश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में छात्रों की सुरक्षा खतरे में है। याचिका में मांग की गई कि 12वीं क्लास के अब तक के पेपर और बचे हुए पेपर का आंतरिक आकलन के औसत के आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया जाए। कहने का सेंस यह है कि उन्होंने बोला, जो आपके छात्र हैं और उनके पेरेंट्स, उन्होंने बोला कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, या कह सकते हैं प्रैक्टिकल और जो भी इंटरनल आपके एग्जामिनेशन कराया जाता है उसके बेसिस पे आपका सीबीएसई का रिजल्ट जारी कर दिया जाए और सीबीएसई के जो बचे हुए पेपर है क्लास 12th और 10th के उसको रद्द कर दिया जाए। याचिका में लाखों बच्चों की सुरक्षा का सवाल उठाते हुए कहा गया कि परीक्षा में शामिल होने की स्थिति में छात्र कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। कोर्ट ने अपील की कि शेष विषयों की परीक्षा आयोजित कराने के संबंधित सीबीएसई के 18 मई को जारी की गई अधिसूचना रद्द कर दी जाए और इसी के आधार पर 12वीं के नतीजे घोषित करने का निर्देश बोर्ड को दिया जाए। इतना ही नहीं, याचिका में निपटारे होने तक बोर्ड की अधिसूचना पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया। याचिका के अनुसार कोविड-19 की स्थिति गंभीरता को देखते हुए बोर्ड ने विदेश में करीब 250 स्कूलों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। प्रैक्टिकल परीक्षा के अंकों या आंतरिक आकलन के आधार पर छात्रों को अंक देने का निर्णय किया है। बोल सकते हैं कि आपके इंटरनल असेसमेंट और जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कराए गए हैं उसी के बेसिस पे आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स देने के बाद आपको पास कर दिया जाए, ऐसा कुछ इसमें बोला जाए। याचिका में कहा गया कि इस साल अप्रैल में बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को उनके स्कूल के आकलन के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्देश दिया था। बताया जा रहा है इसमें कि 9वीं और 11वीं क्लास के जो बच्चे थे उनको प्रमोट कर दिया गया और बोला गया है कि जो बच्चे आपके 9वीं और 11वीं में पढ़ रहे हैं इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। याचिका में कहा गया कि 25 मई को मानव संसाधन एवं विकास मंत्री, जैसा कि हम बता दें कि जो आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने बोला है कि 15,000 परीक्षा केंद्रों में 10वीं और 12वीं के लिए परीक्षा आयोजित कराने की घोषणा की थी, जबकि पहले 3,000 केंद्रों पर ही परीक्षाएं कराई जाती थीं। याचिका में तर्क दिया गया कि IIT जैसे अनेक प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अपने यहाँ परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। याचिका में परीक्षा केंद्रों की स्थिति का मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि ये केंद्र भी संक्रमण ग्रस्त क्षेत्रों में आ सकते हैं। को बता दें कि जो आपके 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बची हुई थी, जो आपके कोरोना वायरस के कारण टल गए थे, उसको कराने के लिए बोर्ड ने टाइम टेबल का सर्कुलर जारी किया गया कि आपके जुलाई के माह में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। लेकिन कुछ जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपके कोर्ट में याचिक फाइल दाखिल किए। उनका कहना यह है कि जो भी आपके बड़े बड़े संस्थाएं हैं वह भी कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिए हैं, परीक्षा रद्द कर दी गई हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन न
कराए जो आपके छात्रों के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, या कह सकते हैं कि जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन करने के बाद बोर्ड उस हिसाब से बच्चों को प्रमोट कर दे। इस तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो इस चैनल पर अपडेट किए जाएंगे। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।